Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello, good. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study पे. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है डेली 9:45 अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम कई सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो कि कवर अप करते हैं आपके टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू एडिटोरियल के अंदर से. तो आज भी आपके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटोरियल में से 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो कि सेलेक्ट करे गए हैं क्योंकि द हिंदू के अंदर इतने अच्छे वोकैबुलरी नहीं थे आज के एडिटोरियल के अंदर. तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे और आपके आने वाले सभी एग्जाम के अंदर ही आपको काफ़ी हेल्प करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला वोकैबुलरी क्या है और उसको हम सिंपल ट्रिक के साथ में कैसे याद कर सकते हैं. आज का जो आपका पहला वर्ड है वो क्या है, वह है बॉदर. बॉदर एक वर्ब है दोस्तों जिसका मतलब होता है किसी को ट्रबल देना, किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना. कई बार हम बोलते हैं बहुत ही सिंपल सा वर्ड है कि यार मैं आपको बॉदर नहीं करवाना चाहता, यानी कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, ये काम मैं अपने आप ही कर लूंगा, है ना. तो उसको हम कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे सिनोनिम की बात करें तो बैजर अच्छा वर्ड है, पर्टर्ब अच्छा वर्ड है, पेपर के अंदर आता है. पर्टर्ब का मतलब भी किसी को परेशान करना होता है, नेटल, पर्टर्ब, बैजर. और बाकी सब तो आसान है. सूथ हो गया का मतलब किसी को शांत करना. ट्रिक देखिए, ब्रदर से बॉदर करवाते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, या तो आप अपने दोस्तों से बॉदर करवाते हो या फिर आप अपने ब्रदर से भी बॉदर करवाते हो, यानी कि कोई काम करना होता है आपको, ठीक है. और अगर आपको लगता है कि ये काम भाई कर सकता है तो ब्रदर से क्या करवाते हैं, बॉदर करवाते हैं, यानी कि उसको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन काम करवा लेते हैं. तो ब्रदर को बॉदर से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है. और कई सारे बच्चों ने अपनी ट्रिक भी बताई है, ठीक है. चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों. और बॉर्डर, बॉर्डर पे एनिमी बॉर्डर करते हैं हमारे सोल्जर को, बिल्कुल सही बात है, सोनू की ट्रिक है. आगे देखते हैं, नेक्स्ट है स्टलवर्ट. स्टलवर्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो बहुत ही लॉयल होता है, हार्ड वर्किंग सपोर्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, टीम का, उसको हम स्टलवर्ट कहते हैं. पार्टीशन बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में आता है. एक मैंने पहले भी याद करवाया था इस वर्ड को कि एक पार्टी का स्ट्रांग सपोर्टर कौन होता है, पार्टीशन होता है. तो एड्रेंट फॉलोवर भी अच्छा वर्ड है, एड्रेंट बोलते ना. और एडवर्सरी का मतलब जो ओपोनेंट होता है. ट्रिक देखिए, काम स्टॉल हो जाता है इन स्टलवर्ट से. तो आपको मालूम है कई सारे पार्टी के ऐसे सपोर्टर होते हैं जो कि दंगे भी कर देते हैं, रोडों को जाम कर देते हैं, रिजर्वेशन इशू के ऊपर, बाकी इशू के ऊपर. तो भाई काम क्या हो जाता है, पूरा का पूरा स्टॉल हो जाता है. किन की वजह से, इन स्टलवर्ट की वजह से, इन सपोर्टर की वजह से, जो कि बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, स्ट्रांग और हार्डवर्किंग होते हैं किसी भी पार्टी के. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टॉल को स्टलवर्ट से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो. स्टलवर्ट का मतलब हुआ जो निष्ठावान पर्सन होता है. नेक्स्ट है इंटरट्वाइन. इंटरट्वाइन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक साथ मिलाना. अगर आप किसी भी चीज को ट्विस्ट कर रहे हो, साथ में मिला रहे हो, तो उसको इंटरट्वाइन कहते हैं. यहाँ पे बाकी सब तो सिंपल वर्ड है. ट्रिक देखिए, वाइन को इंटरट्वाइन करके बनाया जाता है. तो सिंपल सी बात है, वाइन जो बनती है वो दो प्रोसेस होते हैं, विनोइंग एंड वैनिंग, है ना. तो उस प्रोसेस से क्या होता है कि मिक्स करके बनाई जाती है. तो वाइन को इंटरट्वाइन से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो. और साथ में शेयर कर दो यार क्लास के बारे में अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप देख रहे हो, शेयर वेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जुड़ सके. अभी तो सिर्फ 2-3 वोकैबुलरी कवर अप हुई है और भी, और बाकी जो है वो रिविजन कर सके एटलीस्ट, तो इसलिए शेयर कर दो यार. चलिए आगे देखते हैं. तो वाइन को इंटरट्वाइन से कोरिलेट करके हम याद कर सकते हैं जिसका मतलब क्या है, मिलाना, किसी भी चीज़ को मिक्स करना. नेक्स्ट है कर्टेल. कर्टेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना, काट देना, किसी चीज को कम करना. ट्रंकेट अच्छा वर्ड है, बाकी सब तो सिंपल है. ट्रिक देखिए, इनकी टेल को कर्टेल किया. तो आपने डॉग देखे होंगे, बहुत सारे डॉग होते हैं जिनकी टेल को काट दिया जाता है
छोटी कर दिया जाता है, तो टेल को हम कर्टेल से कोरिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि इनकी टेल को कर्टेल किया, तो टेल और कर्टेल इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि है पर्निशियस, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट। अगर कोई किसी का अगर किसी वजह से किसी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है तो हम उसको पर्निशियस कहते हैं, है ना। तो सिनोनिम की बात करें तो डिलीटीरियस अच्छा वर्ड है, इनिमिकल अच्छा वर्ड है, बेलफुल अच्छा वर्ड है, यहाँ पे नॉशियस अच्छा वर्ड है, बाकी तो लुक्रेटिव का मतलब इनोक्यूअस, बिनाइन, और इनका मतलब क्या है, जो हार्मफुल नहीं होता है, जो नुकसान ना पहुंचाए। इनोक्यूअस बहुत अच्छा वर्ड है यार, बहुत सारे एग्जाम के अंदर आता है इनोक्यूअस, है ना। चलिए ट्रिक देखिए, पेरेंट्स पर्निशियस इफेक्ट से बचाते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको मालूम होगा जब आप स्कूल में थे कॉलेज में थे तब आपको हमेशा मना किया करते थे कि भाई उसके साथ में मत रहो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो। तो वो कोशिश किया करते थे पेरेंट्स की आपको पर्निशियस यानी कि जो हार्मफुल इफेक्ट है कोई भी चीज़ की, हानिकारक चीज़ें हैं, उससे बचाने की। तो पेरेंट्स को पर्निशियस से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो पर्निशियस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ की अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पर्निशियस कहते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स पर्निशियस इफेक्ट से बचाते हैं यानी कि हार्मफुल इफेक्ट से बचाते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट एक नाउन है और इसका मतलब होता है जो भी सैलरी, फी, प्रॉफिट, ठीक है, मिलता है उसको हम कहते हैं वेतन, लाभ, उसको हम इमोल्यूमेंट कहते हैं। स्टाइपेंड आपने सुना ही होगा, सिंपल सा वर्ड है, रिम्यूनरेशन अच्छा वर्ड है, बाकी तो सब सिंपल है। ट्रिक देखिए, पार्लियामेंट जाने का भी इमोल्यूमेंट मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको दिल्ली जाके पार्लियामेंट पहुंचने का, रहने का, खाने का, सबका क्या मिलता है, यहाँ पे लाभ मिलता है, तो इमोल्यूमेंट उनको मिलता है। तो पार्लियामेंट को इमोल्यूमेंट से कोरिलेट करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जाने का भी इमोल्यूमेंट मिलता है, यानी कि आपको सैलरी फी है जो कि आपको गवर्नमेंट है जो कि पे करती है। तो इस तरीके से इमोल्यूमेंट का मतलब हुआ कि जो भी पैसा वेतन आपको मिल रहा है किसी काम करने का उसको कहते हैं। तो पार्लियामेंट जाने का भी इमोल्यूमेंट मिलता है, तो इमोल्यूमेंट का मतलब हुआ कोई भी वेतन। अगला वर्ड है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि आपको लालच दे, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको कहते हैं। एंटाइसमेंट हो गया, फैसिनेशन हो गया, दोनों वर्ड अच्छे हैं, और कॉक्स भी अच्छा वर्ड है, कॉक्सिंग, बाकी सब सिंपल है। यहाँ पे ट्रिक देखिए, टेम्पटेशन चॉकलेट का बच्चों को टेम्पटेशन है। तो एक टेम्पटेशन नाम की चॉकलेट आती है यार, आपने देखी होगी, और ठीक है किसी ने खिलाई होगी तो खाई भी होगी, ओके, वरना स्टूडेंट तो बेचारे खुद तो क्या खाते हैं, चॉकलेट वॉकलेट खाते नहीं है, ठीक है, चाय, चाय से चाय सबसे बड़ा सपोर्टर होता है स्टूडेंट लाइफ में। तो टेम्पटेशन चॉकलेट का बच्चों को क्या है, टेम्पटेशन है। तो टेम्पटेशन को टेम्पटेशन से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, है ना। टेम्पटेशन का मतलब हुआ कोई भी लालच अगर आपको किसी चीज़ का मिलता है उसको कहते हैं। आगे देखते हैं क्यूरियस। क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा अजीब होता है, विलक्षण होता है, उसको हम कहते हैं क्यूरियस। बिजार यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड है, पिक्यूलियर बहुत अच्छा वर्ड है, इसेंट्रिक अच्छा वर्ड है, क्यूर तो पेपर में नहीं आता है, बाकी सब सिंपल है। ट्रिक देखिए, क्योर नहीं है क्यूरियस माइंड का। तो जो बहुत क्यूरियस माइंड होते हैं दोस्तों उनका कोई क्योर नहीं होता है। क्यूरियस माइंड आता है ब्रिलियंट माइंड, सुना होगा ना आपने। तो क्यूरियस माइंड कौन सा माइंड होते हैं, जो कि हमेशा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हमेशा चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, अपने लेवल से कई ज़्यादा ऊपर लेवल की चीज़ों को के जानने की कोशिश करते हैं, सवाल पूछते हैं, है ना। तो उसको क्यूरियस माइंड कहते हैं। तो भाई इनका कोई क्योर नहीं होता है, कोई भी क्योर नहीं होता है क्यूरियस माइंड का, ओके। तो इस तरीके से क्यूरियस माइंड को आप क्योर से कोरिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। और उषा गुप्ता बोल रही है, आई डोंट लाइक टी, आई लाइक ओनली चॉकलेट, तो लड़कियों का समझ में आता है, बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट बॉयज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और राजन ने यहाँ पे अंजलि से रिक्वेस्ट करी है कि भाई अंजलि जी मिस कॉल दो, और यहाँ पे राजन ने जो है वो खुद के नंबर भी जो है यहाँ पे दे दिए हैं। अरे भाई राजन क्या चाहिए जीवन से, नहीं बनेगी यहाँ पे गर्लफ्रेंड, क्यों कोशिश कर रहे हो। अंजलि यहाँ पे किसी लड़के का नाम होगा, ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हो। और अगर अंजलि लड़की भी है तब भी आपको कॉल नहीं करेगी, यकीन मानो, क्यों परेशान हो रहे हो।
इस चक्कर में आपको चार बार लड़कों के नंबर और लड़कों के कॉल जरूर आ जाएंगे यार। सुबह सुबह उठते यार क्या मतलब ये काम चालू कर दिया, मतलब सुबह सुबह तो पढ़ लिया करो दो चार घंटे यार। ठीक है चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस एक नाउन है और उसका मतलब क्या होता है, क्षमता योग्यता। यार एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे राजन के लिए मेरा मैसेज है एक कि राजन अगर आपकी स्कूल में गर्लफ्रेंड नहीं बनी, कॉलेज में गर्लफ्रेंड नहीं बनी, बाहर निकल के गर्लफ्रेंड नहीं बनी, आस पड़ोस में नहीं बनी, तो आपको क्या लगता है यार एक ऑनलाइन क्लास के अंदर आप गर्लफ्रेंड बना लोगे क्या? ठीक है नहीं है पॉसिबल, ठीक है नहीं है पॉसिबल यार, समझो बात को। जब पूरे के पूरे एरिया में रहने के बाद, स्कूल कॉलेज पास करने के बाद जब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो भूल जाओ यार, नहीं बनेगी, शादी वादी हो जाएगी, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है टाइम खराब मत करो बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं, कॉम्पिटेंस का मतलब है क्षमता योग्यता। प्रोफिशिएंसी अच्छा वर्ड है यहाँ पे, एड्रॉइट बहुत अच्छा वर्ड है। एड्रॉइट का एक्चुअली जो मीनिंग होता है वो होता है जो बहुत स्किलफुल पर्सन होता है ना, स्किल्ड जो पर्सन है उसको एड्रॉइट बोलते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो क्षमता योग्यता भी उसी का काफ़ी कोरिलेटेड है। प्रोनेस एप्टीट्यूड ये अच्छे वर्ड है यहाँ पे। ट्रिक देखिए, कम्पीट करना कॉम्पिटेंस करना एक ही बात है। तो भाई अगर आप किसी चीज़ से कम्पीट कर रहे हो तो यानी कि आपके अंदर ठीक है एक कोई ना कोई योग्यता है, तभी तो आप कम्पीट कर रहे हो। हर कोई तो कम्पीट नहीं कर पाता ना, हर कोई तो हर काफ़ी लोग होते हैं जो कि कम्पीट करने से पहले गिव अप कर देते हैं। तो कम्पीट करना भी क्या है, कम्पिटेंस करना होता है। कम्पिटेंस का मतलब ये योग्यता होती है आपकी, तब जाके आप कम्पीट करते हो किसी भी एग्जाम के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर। तो कम्पिटेंस का मतलब योग्यता। लास्ट है प्रीडोमिनेंट। डोमिनेट बोल लो, जो बोल लो या फिर प्रीडोमिनेंट बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रीडोमिनेंट हो गया या डोमिनेंट हो गया, प्रभाव जो होता है किसी भी चीज़ का, प्रधान जो होता है उसको कहते हैं। और पैरामाउंट अच्छा वर्ड है, बाकी सब तो सिंपल से वर्ड है यहाँ पे। तो डोमिनेंट को आप प्री डोमिनेंट से कोरिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। मैच द कॉलम से देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से आज हमने इसको याद किया है। ठीक है, बॉदर का मतलब क्या है कि ब्रदर से बॉदर करवाते हैं, यानी कि तंग करना। स्टलवार्ट कैसे था, कैसे याद किया था, काम को स्टॉल कर देते हैं कौन लोग, स्टलवार्ट यानी कि जो सपोर्टर होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर को कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरवाइन, इंटर टू वाइन, तो वाइन से कोरिलेट किया था, यानी कि किसी चीज को मिक्स करने को कहते हैं। कर्टेल, टेल को क्या किया, कर्टेल किया यानी कि कम किया। पर्निशियस, पेरेंट्स क्या करते हैं, पर्निशियस इफेक्ट से बचाते हैं, तो पर्निशियस का मतलब क्या हुआ, कोई भी हानिकारक। और इम्यूलुमेंट का मतलब, पार्लियामेंट जाने पर भी इम्यूलुमेंट मिलता है यानी कि वेतन। टेम्पटेशन, चॉकलेट से टेम्पटेशन होती है बच्चों को, यानी कि लगाव होता है, लालच होता है। क्यूरियस यानी कि बहुत ज़्यादा जो अनयूजुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होते हैं उसको कहते हैं। कॉम्पिटेंस का मतलब योग्यता और प्रीडोमिनेंट का मतलब डोमिनेट करना। तो इस तरीके से इन सारे वोकैबुलरी को आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ट्रिक की बात करें तो इंडिजेंट का मतलब होता है जो बहुत ही पुअर होता है उसको कहते हैं दोस्तों। मेहनत करेंगे तो कभी भी इंडिजेंट नहीं होंगे। तो माया ने बहुत अच्छी ट्रिक दी है, नीतू बोलती है इंडिया की जनरेशन जॉब के लिए इंडिजेंट है। ठीक है, तो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको भी हम इंडिजेंट कहते हैं। तो जनरेशन को इंडिजेंट से इन्होंने कोरिलेट किया है। ओके, तो इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो देख लेते हैं, बिस्मिज। बिस्मिच आज का नेक्स्ट वर्ड है जिसके आपको ट्रिक बना के कमेंट करना है। पैराग्राफ फॉर्मेशन में सविता और श्रुति ने दो अच्छे पैराग्राफ का फॉर्मेशन किया है। सारे के सारे वोकैबुलरी है जो कि इन्होंने कोरिलेट करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे वोकैबुलरी। ओके, तो आप भी इस तरीके से अपनी राइटिंग स्किल्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और पैराग्राफ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके से अच्छी प्रिपरेशन करते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।